बहुत बड़े एहसानात है। वो उस्मान एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साइल आया, मांगने वाला आया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ भी होता था या तो उसको इस्तेमाल कर लेते या अल्लाह के रास्ते में दे देते थे। हमारी तरह की उनकी जिंदगियां नहीं थी, महीने महीने का राशन होता है, साल साल का अनाज घर के अंदर जो है मौजूद होता है, फिर भी कहते हैं हालात बड़े ख़राब हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। तीन तीन चार चार मरतबा खाने के बावजूद भी हालात बड़े ख़राब हैं। वो सहाबा की जमात, उनके इतना सब्र था, इतनी इस्तकामत थी, उनके जो है चूल्हे जो इतने कई कई महीने उनके चूल्हे नहीं चला करते थे कि चूल्हों के अंदर जो है घास उगाया करती थी। हमारे तो यहाँ चूल्हे जो है ठंडे ही नहीं होते। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। आज से 50 साल पहले की तारीख को पढ़ लो, 60 साल 100 साल पहले चले जाओ, वो बादशाहों के पास भी वो सहूलियात नहीं हुआ करती थी। आज के मजदूर के पास जो नेमतें और सहूलियात मौजूद हैं, हमारे बुजुर्ग मस्जिदों में आते थे, चराग जलाते थे, सारे लोग जो है चारों तरफ बैठ जाते, जल्दी जल्दी कुरान पाक की तिलावत कर लो, कहीं तेल ना ख़त्म हो जाए। आज अल्लाह ने आला इंतजाम कर दिए, सहूलियात दे दी, उसके बावजूद भी हमारी मुकद्दर में है, हमारी खुशकिस्मती है अगर इन सहूलियात को हम इस्तेमाल करते हुए अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को पूरा कर देते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला उनके पास साइल गया, अल्लाह के नबी के पास साइल गया, आपने फरमाया जाओ उस्मान के पास चले जाओ। वो साहिल उस्मान के पास गए, हजरत उस्मान अपनी बीवी से कह रहे थे, अल्लाह की बंदी, रात चराग की बत्ती मोटी की जिसकी वजह से तेल का ज़्यादा खर्च हो गया। जब उस साहिल ने सुना, उसने कहा अल्लाह के नबी ने किस फकीर के किस कंजूस के पास मुझे भेज दिया। लेकिन जब बात हुई, वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर जाते हैं, अशरफियों की एक थाली उठाते हैं, लाकर फ़कीर को दे देते हैं। फ़कीर बड़ा हैरान होता है, खुश हो जाता है, ऐ उस्मान मुझे एक बात तो बताओ, तुम अपनी बीवी को तो बत्ती मोटी करने की वजह से डांट रहे थे, मुझे इतना कुछ दे दिया, मेरी कई नस्लों के लिए काफ़ी है। उस पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इशारा फरमाया, ये मैंने तुझे नहीं दिया, मैंने बल्कि ये सौदा अल्लाह के साथ किया है। दुनिया के अंदर जो इंसान भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, वो उसका सौदा वो इंसानों से नहीं कर रहा होता, वो अल्लाह के साथ जन्नत का सौदा कर रहा था। उस पर बहुत ही प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया कि अपनी जात के लिए फूंक फूंक कर खर्च करना है, लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का वक्त आ जाए, अल्लाह के रास्ते में सब कुछ लगा देना है, अपने लिए ज़खीरा आखिरत करना है। ये चंद दिन की ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाएगी, आखिर इंसान को मौत आएगी, मौत के बाद इंसान के पास वही चीज़ें काम आएंगी जो इंसान ने अपने लिए ज़खीरा आखिरत की हुई होंगी। आज हम कहते हैं कि फलां के पास प्लाट है, घर के अंदर सोना है, चांदी है, फला फला चीज़ हैं, हम कहते हैं कि भाई तंगी के दिन गुजार लो, ये हमारी औलाद के काम आ जाएंगे, ये हमारी बेटी के काम सोना आ जाएगा, ये हमारे बच्चे के काम प्लाट आ जाएगा। अरे भाई, हम खुद भी सोचें, हमने मरना है, मनो मट्टी के नीचे जाना है, और मनो मट्टी के नीचे जाने के बाद इंसान के पास वही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो इंसान ने सदका जारिया बनाई है। सदका जारिया तीन किस्म के होते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान मर जाता है, मरने के बाद इंसान के सारे अमल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन तीन अमलों का स्वाब इंसान को मरने के बाद भी पहुंचता रहता है। उनमें से नंबर एक सदका जारिया। सदका जारिया के बहुत सारे काम हैं, किसी ने कोई दरख्त लगा दिया, ये भी सदका जारिया है, किसी ने किसी जगह पर टोबल लगा दिया, नलका लगा दिया, ये भी सदका जारिया है, मस्जिद बना दी, ये भी सदका जारिया है, सड़क बना दी, ये भी सदका जारिया है। इस तरह ये जितने भी फलाही काम है, ये सदका जारिया के अंदर आता है। इंसान मर जाता है, पीछे उसका लगाया हुआ टूबल, उसका लगाया हुआ नलका, उससे लोग ठंडा पानी पीते रहते हैं, मुसाफिर पीते हैं, तो उसका मरने वाले को फ़ायदा पहुंचता रहता है। आज हम देखें हमारे गांव के अंदर चौधरी नज़ीर साहब, उन्होंने पैनी पर जो नलका लगाया था, अल्लाह जानता है कितने खलूस और मोहब्बत के साथ उनकी कितनी अखलास था नियत के अंदर, आज कितने लोग सुबह शाम वहाँ से पानी भरते हैं, गाँव के अंदर कितने नलके हैं, कितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं, किसी का पानी जो है इतना साफ़ नहीं जितना वो साफ़ पानी है, और ये उनके कब्र को ठंडा कर रहे हैं। यहाँ लोग पानी पीकर
अपने जो है दिल और कलेजे को ठंडा करते हैं, मेरा रब उनकी कब्र को जो है जन्नत का बाग बना रहा है, उनकी कब्र ठंडी हो रही है। ये सारे सदका जारिया के काम है। दूसरे नंबर पर नेक औलाद जिनकी शरी तरबियत कर दी, जिनको नेक बना दिया, जिनको परहेजगारी तकवा अल्लाह से मांगना सिखा दिया। मरने के बाद नेक औलाद अपने माँ बाप के लिए जब साले सवाब करती है, अल्लाह उसकी मगफरत का ऐलान कर देते हैं, अल्लाह उसकी बख्शिश कर देते हैं। अगर वह बख्शा हुआ है उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। इंसान को जब कब्र के अंदर रखा जाता है, इंसान साले सवाब को इस बेशिद्दत के साथ और जो है इस तरह इस्तराब के साथ इंतज़ार में होता है, जिस तरह मछली को पानी से पकड़कर बाहर रख दिया जाए, मछली तड़पती है, मुस्तरब और बेकरार हो जाती है और उसकी तमन्ना और ख्वाहिश ये होती है कि मुझे फौरन पानी के अंदर रख दिया जाए। इसी तरह मरने वाला अपने रिश्तेदारों की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, ताल्लुक वालों की तरफ से इस साले सवाब का बड़ी शिद्दत के साथ, बे इस्तरारी के साथ इंतज़ार में होता है कि वो मुझे कोई साले सवाब करे, मेरी औलाद मेरे लिए साले सवाब करे, मेरा भाई मेरे लिए साले सवाब करे। अगर कब्र के अंदर मुश्किल में है वो इस तरह इंतज़ार करता है। इसलिए जो बंदा अपने मरने वाले को साले सवाब करता है, अगर तो अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं। अगर वो मुश्किल के अंदर है, हमारे यहाँ सूरत फातिहा पढ़ने से, चार मरतबा सूरत इखलास पढ़ने से अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए अगर हम साले सवाब कर देंगे, अगर हमारे साले सवाब करने से उनकी कब्र ठंडी हो जाएगी, हमारे लिए कितना बड़े फायदे की बात है। बाज़ लोग कहते हैं कि दुनिया के अंदर बाप चला गया, नाराज़गी की हालत में चला गया, माँ मेरी मेरे से नाराज़ थी, दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़ा था घर में, इसी हालत में चली गई, दोस्त मेरा नाराज़ था। उलमा ने इसका भी हल बताया है कि जिनके वालदैन नाराज़गी की हालत में दुनिया से चले जाते हैं, वो अपने माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए बार बार साले सवाब करे। इंशाल्लाह जब क़यामत वाले दिन उनसे मुलाकात होगी, वो अल्लाह के हुक्म से आपसे राज़ी हो चुके होंगे, नाराज़गियाँ ख़त्म हो चुकी होंगी। इसलिए दूसरे नंबर पर नेक औलाद है। तीसरे नंबर पर ऐसा इलम जिससे लोग फ़ायदा हासिल करते रहें, यह कुरान और सुन्नत का इलम है। इससे लोग जो है कुरान का इलम है और जो है ये जो है सुन्नत रसूल का इलम है, ये इंसान सीखता है, सीखने बाद जो सिखाता है उसको इसका फ़ायदा पहुंचता है। एक इंसान ने आगे एक आदमी को हाफ़िज़ कुरान बना दिया, आलम दीन बना दिया, उसने आगे 10 को बना दिया, उसने आगे 10,000 को बना दिया, उसने आगे 10,00,000 को बना दिया। ये ऐसा सदका जारिया है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। इसलिए इंसान के पास आज मोहलत है, अपने लिए वो काम करके जाए जो इंसान के साथ जाने वाले हैं। यह औलाद भी पीछे रह जाएगी, यह दुनिया का सारा ओहदे पीछे रह जाएंगे। इंसान को जब कब्र के अंदर रखा जाता है, इंसान तने तनहा कब्र के अंदर जाता है, कोई ही कब्र के अंदर इंसान के साथ नहीं जाता, बल्कि जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, पानी छिड़क दिया जाता है, आवाज़ लगाने वाला आवाज़ जो भी लगाता है, भाई कब्र के ऊपर कोई चीज़ पड़ी ना रह जाए, जो भी सामान है उसको उठा लो, सब कुछ उठा लिया जाता है। इंसान के साथ जाने वाली अगर कोई चीज़ है, यह सदका जारिया के काम है। इंसान के अगर साथ जाने वाली कोई चीज़ है, यह अमाले हसना है। इसके अलावा इंसान के साथ जाने वाली कोई चीज़ नहीं, बाकी दुनिया का निज़ाम है। अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम चलाया और दुनिया के अंदर कितने कितने बड़े बड़े लोग आए, हमारे इलाके के अंदर, हमारे गाँव के अंदर कितने बड़े बड़े जो है मालो दौलत वाले आए, बड़े बड़े पढ़े लिखे आए, बड़े बड़े तकवे वाले आए, बड़े बड़े परहेजगार आए, बड़े बड़े गरीब आए, बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े पहलवान आए, आज सब के सब मनोमट्टी के नीचे जा चुके हैं। यहाँ तक कि दुनिया के अंदर वो बादशाह भी आया जिसको सिकंदर आजम के नाम से याद किया जाता था, वो सिकंदर आजम जिसके पास इतने खजाने और उन खजानों की इतनी ज़्यादा चाबियाँ कि ऊँटों पर लाद कर उनकी चाबियों को ले जाया करते थे। जब उसकी मौत का वक़्त करीब आया, उसने कहा, लोगों जब मैं मर जाऊं, गुसल कफन पहना दिया जाए, मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना। लोगों ने कहा, बादशाह सलामत अजीब बातें करते हो, कभी कफन से भी किसी के हाथ बाहर किए हैं। उस पर कहा कि मैं लोगों को बतला देना चाहता हूं, वो अजीमुल शान बादशाह, वो अजीमुल मर्तबा बादशाह,
वो इतना बड़ा दुनिया का बादशाह जिसके पास इतने बड़े खजाने और इतनी बड़ी चाबियां, वो दुनिया से गया है दोनों हाथ खाली लेकर गया है। इंसान दुनिया के अंदर आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ इंसान ने जाना है। वो बादशाह जिसने अपना बहुत बड़ा महल तमीर करवाया, अपने लोगों का की दावत की, खाना खा रहे थे, बादशाह बड़े तकब्बर के साथ, गरूर के साथ अपने तख्त पर बैठा हुआ था और देख रहा था, दिल ही दिल में सोच रहा था, इतने खजाने जमा हो चुके हैं, इतना मालो दौलत जमा हो चुका है कि ये तो अब ख़त्म होने वाला नहीं, सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत के साथ गुजरेगी, औलादों के लिए भी काफ़ी है। उसे ये नहीं पता ये हराम का कमाया हुआ, हराम का कमाया हुआ ये उसके गले का तोक तो बन सकता है, उसको फ़ायदा नहीं दे सकता। आज बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग, वो क्या कहते हैं, भाई मालो दौलत तो बहुत है लेकिन डॉक्टर ने रोका है ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। अरे भाई क्यों नहीं खाना, इसलिए कि तुम्हारे अंदर इतनी बीमारियां हैं, ये तुम्हें जो है नुकसान पहुंचाने वाली है। इंसान अपने मुकद्दर का खाता है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, यहाँ कोई अमीरी और गरीबी या कि ये कोई मियार नहीं है, दुनिया के अंदर अमीरी गरीबी का कोई मियार नहीं है। ये हमने मियार बनाए हैं कि फ़लाँ ने बहुत बड़ा ओहदा हासिल कर लिया, कामयाब हो गया, फ़लाँ ने जो है बहुत बड़ी तजारत कर ली, कामयाब हो गया, फ़लाँ ने बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया, कामयाब हो गया। ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी उस इंसान के लिए है जिस इंसान ने दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पूरा किया और ये चंद दिन की ज़िंदगी संभल संभल कर इत्तबाए सुन्नत के मुताबिक गुजारी। वो बादशाह जो है अपने तख्त पर बैठा हुआ है, एक फ़कीर आदमी मांगने वाला आता है, उलमा ने यहाँ किताबों के अंदर ये भी लिखा, कोई मांगने वाला आए उसको उसके साथ सख्ती के अल्फाज ना बोला करो। कोई मांगने वाला आए जो तुम्हारे पास है जितनी भी गुंजाइश उसको दे दिया करो, अगर दे नहीं सकते उसके साथ नरमी का मामला किया करो। ये मांगना कोई आसान काम नहीं, अगर कोई दरवाजे पर मांगने वाला आ ही जाता है उसके साथ सख्ती वाला मामला ना किया करो, कहीं ऐसा ना हो वो ज़रूरतमंद हो, हकीकत में मोहताज हो, भूखा हो, परेशान हो और तुम्हारे तख्त कलामी की वजह से उसका दिल दुख जाए। वो तो पहले ही मजलूम है और मजलूम की आह अल्लाह के अर्श को हला देती है, लिहाजा अगर तुम्हारे पास कुछ है दे दिया करो वरना माजत कर लिया करो, नरमी का मामला किया करो। ये आप मांगने वाले जो लोग बेचारे पता नहीं इनके अंदर कितने मजबूर होते हैं, हकीकत में बाज़ पेशा वराना भी होते हैं, लेकिन यहाँ बादशाह के बाद जब फकीर आदमी आया उसने कहा कि मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ, उस पर जब वजीरों ने कहा कि बादशाह सलामत एक फ़कीर आदमी फटे पुराने कपड़ों वाला आपसे मिलना चाहता है, उस पर बादशाह ने कहा कि वो मुझे बुला रहा है। हमेशा दुनिया का कानून है कि छोटा जो है बड़े के पास आता है, शागिर्द उस्ताद के पास आता है, जो मरीद वो पीर के पास आता है और जो है बेटा बाप के पास आता है। ये कैसी आवाज़ लगा रहा है, फ़कीर आदमी बादशाह को पुकार रहा है, उसको जो है डांटो उसको मारो। चनाचे वो हकीकत में इज़राइल अलैहिस्सलाम थे, वो जो है बादशाह के करीब आ जाते हैं, कहा कि बादशाह सलामत तेरे से एक बात करनी है। उस पर उसने कहा क्या बात करना चाहते हो, कहा तेरे कान में बात करनी है। कहा करो क्या कहना चाहते हो, उसने कहा मैं इज़राइल हूँ और आपकी मौत का वक्त आ चुका है, आपकी रूह मैंने कब्ज़ करनी है। उस पर उसके पाँव से मट्टी निकलती है, परेशान होता है, कहा कुछ मोहलत दे दो, कुछ मोहलत दे दो, इतने खजाने पड़े हुए हैं, मालो दौलत है, नकदी रुपया पैसा है, सोना चांदी जवाहरात हैं, हीरे हैं, इसको अल्लाह के रस्ते में तकसीम करने की मोहलत दे दो। कहा कि कोई मोहलत नहीं, कहा कि मेरी जगह इतने लोग खाना खा रहे हैं, किसी और को कबूल कर ले, कहा किसी को कबूल नहीं करूँगा, अल्लाह की तरफ से जिसकी मौत का वक्त आ जाता है उसको ना एक सेकंड आगे किया जाता है ना पीछे किया जाता है, उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। एक आलम दीन लाहौर के अंदर ये मीडिया पर भी आया, वो कुरान सहाबा की अजमत पर बात कर रहा था और कुरान मिंबर पर बैठा हुआ था, आगे लोग बैठे हुए सहाबा की अजमत सुन रहे थे, उसकी मौत का वक्त आ जाता है, वहाँ ही सहाबा की अजमत बयान करते करते उसको मौत आ जाती है। ये मेरे अल्लाह की तरफ से वक्त मुतय्यन है। उस पर बादशाह ने कहा क्या कहा, अपने माल की तरफ देखा और अपने माल को देखकर कहा कि ऐ मेरे माल और दौलत तुझ पर अल्लाह की लानत हो, तुझ माल की वजह से सारी ज़िंदगी एक लम्हा भी
यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत ना कर सका। जिस तरह मालो दौलत के पीछे आज के माहौल के अंदर कभी औलाद के पीछे, कभी खेती बाड़ी के पीछे, कभी तिजारत के पीछे, कभी दुनिया के माल दौलत के पीछे नमाजें कज़ा हो जाती हैं, कुरान पाक की तिलावत रह जाती है और जो है बड़े बड़े अमाले हसना छूट जाते हैं। यकसुई के साथ इबादत करने का मौका नहीं मिलता। सारी जिंदगी दुनिया की हलचल में मसरूफियत की वजह से आखिर मौत आ जाती है। उसी वक्त जो है जब वो लानत करता है माल को, अल्लाह माल को कुव्वत गोयाई अता करता है, माल से आवाज़ आती है, माल कहता है ऐ बादशाह सलामत, मुझ माल ही की वजह से अच्छे अच्छे खाने खाया करता था, मुझ माल ही की वजह से अच्छी अच्छी महफिलों में जाया करता था, अच्छी अच्छी जो है ऐशो इशरत के बड़े बड़े महल्लात के अंदर रहा करता था, अब मुझ पर लानत क्या करता है। हाँ, मुझ माल को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में लगाया होता तो हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनता। जिस तरह आज के माहौल के अंदर इंसान को गफलत के अंदर शैतान डालता है, अल्लाह ने जो है फसल आती है, चलो अगले साल जो है इसका उशर निकाल लेंगे, साल गुजरता है ज़कात का मौका आता है, चलो अगले साल जो है ज़कात दे देंगे। इस तरह जो सदकात वाजबा होते हैं उसके अंदर ये शैतान तखीर करवाता है। उसके साथ साथ जब इंसान अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करता है, फिर शैतान जो है उसके अंदर रियाकारी वाली जो है सिफत लाता है कि इसका दिया हुआ माल अल्लाह के रास्ते में कबूल ना हो जाए। फिर इंसान क्या करता है, इंसान उस माल को इस अंदाज में अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है कि दुनिया वाले कहें कि यह बड़ा सखी आदमी है, ये बड़ा अमीर आदमी है, ये बड़ा जो है इसने फलां दे दिया, इसने फलां कर दिया। दुनिया के अंदर बल्ले बल्ले के चक्कर में वो लगा रहता है, यहाँ तक कि जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ भी उसका कबूल नहीं होता। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के महबूब फरमाते हैं तीन किस्म के आदमियों को लाया जाएगा, एक आलम दीन को लाया जाएगा, एक सखी को लाया जाएगा, एक शहीद को लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे जाओ इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। सखी कहेगा अल्लाह सारी जिंदगी माल तेरे रास्ते में खर्च करता रहा, मुझे तू देता रहा, तेरे रास्ते में लगाता रहा, उसके बावजूद भी जहन्नम में। अल्लाह फरमाएंगे तू चाहता था दुनिया वाले तुझे सखी कहें, दुनिया के अंदर तेरी बल्ले बल्ले हो जाए, वाह वाह हो जाए, वो सब कुछ दुनिया के अंदर हो गया, लिहाजा तुम्हारी नीयत के अंदर फतूर था, रियाकारी और दिखलावा था, इसलिए तुम्हें जहन्नम के अंदर फेंका गया। आलम दीन कहेगा अल्लाह तेरी रजा के लिए तेरा दीन सीखा और तेरे दीन को आगे फैलाया और लोगों को दीन की जो है वाज़ो नसीहत करता रहा, लोगों को दीन की तरगीब देता रहा, उसके बावजूद जहन्नम के अंदर जाना कैसा। अल्लाह फरमाएंगे तू चाहता था दुनिया के अंदर लोग कहें बड़ा खतीब है, बड़ा वाइज है, बड़ा मौलवी साहब है, बड़ा मौलाना है, वो सब कुछ दुनिया के अंदर हो गया, आज तुम्हारे पास कुछ ने कि नहीं, तुम्हारा मकाम यही है। तीसरे नंबर पर शहीद को लाया जाएगा। शहीद कहेगा कि या अल्लाह दिन और रात सुबह और शाम नंगी तलवारों से काफरों का मुकाबला करते रहे, उनको मारते रहे, उनकी गर्दनें उड़ाते रहे, तन से जुदा करते रहे, इतनी कुर्बानियां दी, इतना बड़ा अमल लेकर आए, उसके बावजूद जहन्नम के अंदर जाना कैसा। अल्लाह फरमाएंगे तुम्हारी नीयत और इरादा था कि लोग कहें बड़ा बहादुर है, बड़ा मुजाहद है, बड़ा गाजी है, बड़ा पहलवान है, बड़ा ताकतवर है, वो सब कुछ दुनिया के अंदर हो गया, लिहाजा अब क़यामत वाले दिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों यह चंद दिन की जिंदगी है, अमाल जो भी करना है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, अपनी नीयत को खालिस करना है, अल्लाह के रास्ते में माल लगाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में अलानिया भी खर्च करो, खुफिया भी खर्च करो, खुफिया इस अंदाज में खर्च करो कि दाएं हाथ से दो बाएं हाथ को पता भी ना चले, और अलानिया भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, लेकिन यहाँ सिफत ये होनी चाहिए, दिल की कफियत ये होनी चाहिए, दिल के अंदर खौफ खुदा यूँ होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए है। और हर इंसान अपने ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको नभाए, ये चंद दिन की जिंदगी यूँ मुसाफिरों की तरह गुजारे और यूँ समझे कि कोई पता नहीं कि कब मुझे मौत आ जाएगी। सुबह उठता है पता नहीं उठना नसीब होगा कि नहीं होगा, नमाज पढ़नी है नमाज पढ़नी नसीब होगी कि नहीं होगी,
उससे शायद पहले ही मौत आ जाए, वुजू करना नसीब होगा कि नहीं होगा, या 24 घंटे की ज़िंदगी जो सर्कल के अंदर हम दिन और रात में गुजार रहे हैं, किसी को क्या पता कि कब मौत आ जाएगी। इसलिए अकलमंदी इसी में है। उलमा ने यही फरमाया कि अपने हर अमल को आखिरी अमल समझो, अपने हर अमल को आखिरी समझो। जुमा नमाज जुमा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अपने एक एक सांस को आखिरी सांस समझो। नमाज जुमा को यूँ पढ़ो कि शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी नमाज जुमा है। पंचगाना नमाजों को यूँ पढ़ो, शायद हमारी ज़िंदगी की ये आखिरी पंचगाना नमाजें हैं। कुरान की तिलावत यूँ करो, शायद ज़िंदगी की आखिरी कुरान पाक की तिलावत है। सदका खैरात यूँ करो, शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी सदका खैरात है। जो जो अमल भी करना है उसको इस अंदाज में किया जाए, शायद ज़िंदगी का आखिरी अमल है। इस तरह हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, हम अपने ज़िंदगी के मकसद को पूरा करेंगे। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर हाजिरी होगी, अल्लाह जन्नत के अंदर आलिशान महल अता फरमाएगा और हमेशा हमेशा की कामयाबी अता फरमाएगा। वा आखिरु दावाना